इंडिया टीवी आपकी आवाज। लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पेश किया विश्वास प्रस्ताव, कहा मणिपुर को इंसाफ के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाएं। लोकसभा में बोले गौरव गोगोई, मणिपुर पर पीएम को बोलने के में लगे 80 दिन, सदन के बाहर सिर्फ 30 सेकंड के ही लिए बोले पीएम। गौरव गोगोई ने सरकार से पूछा सवाल, अभी तक मणिपुर क्यों नहीं गए पीएम मोदी, मणिपुर के सीएम को बर्खास्त क्यों नहीं किया। लोकसभा में राहुल के पहले ना बोलने पर हुआ हंगामा, बीजेपी सांसदों ने पहले राहुल के ना बोलने पर उठाए सवाल। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में विपक्ष का करारा जवाब देने की बनी रणनीति। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का नया नारा, कहा करप्शन परिवारवाद क्विट इंडिया। पीएम मोदी ने कहा ये इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन को अपनी एकता पर भरोसा नहीं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा घमंडिया ताकतों को एकता दे जवाब। दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पास होने को पीएम ने बताया सेमीफाइनल की जीत, कहा 2024 से पहले सेमीफाइनल जीत की बधाई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा पीएम के नारे कर कल से अभियान चलाएगी बीजेपी, पीएम मोदी ने सभी सांसदों से जुड़ने का किया आह्वान। संसद में खड़गे के ऑफिस में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की बनाई रणनीति। लोकसभा स्पीकर से मिले कांग्रेस के सांसद, निशिकांत दुबे के कांग्रेस पर बोले शब्दों को संसद के रिकॉर्ड से ना हटाने का उठाया मुद्दा। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा मुश्किल में फंसे, दिल्ली सेवा बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर विवाद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर अटैक, कहा कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं को झूठ बोलने की आदत। बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा का बयान, राघव चड्ढा ने किया प्रिविलेज का उल्लंघन, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता का बयान, सिलेक्ट कमेटी के लिए सांसदों के हस्ताक्षर की नहीं होती जरूरत। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का आरोप, राघव चड्ढा के पीछे पड़े हुए हैं गृहमंत्री शाह, राहुल की तरह छीनना चाहते हैं सदस्यता। दिल्ली सेवा बिल पारित होने के बाद बोले अधीर रंजन, संसद में मुद्दों पर होती है बात लेकिन बीजेपी संख्या की करती है बात। दिल्ली सेवा बिल पर बोले उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, दिल्ली में कुशासन और भ्रष्टाचार को देखते हुए करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कांग्रेस न्यूज क्लिक एक दूसरे के साथ, चीन से पैसा लेने पर राजीव गांधी फाउंडेशन मांगे माफी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन राज्यसभा से बाकी सत्र से के लिए सस्पेंड, सदन में अमर्यादित व्यवहार के चलते सभापति ने लिया एक्शन। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्विटर पर शेयर की अपनी किताब, लिखा पिछले दशक में संसद को कैसे कमजोर किया गया, इसको किया एक्सप्लेन। यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव ने उठाया ग्रेटर नोएडा की शिव नादर यूनिवर्सिटी में लड़की की हत्या का मामला, सरकार से पूछा क्या कार्रवाई हुई। विधानसभा में अखिलेश यादव का सवाल, सरकार बताए 2017 से 2023 तक कितने छात्रों की बढ़ी संख्या। विधानसभा में बोले सीएम योगी, पिछले 6 सालों में नकल माफिया पर कसी लगाम, पिछले 5 सालों में 1,64,000 से ज्यादा टीचर्स की भर्ती। सीएम योगी ने अखिलेश पर कसा तंज, कहा अच्छा लगा नेता विपक्ष को, अब जनसंख्या की चिंता होनी लगी, जनसंख्या नियंत्रण के लिए ही समान कानून की बात। 1990 के मुरादाबाद दंगों की एसआईटी रिपोर्ट पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, लोगों को पता चलनी चाहिए सच्चाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आज असम कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे, दोपहर 3:30 बजे होगी मुलाकात। हरियाणा में नू बस स्टॉप से रोडवेज बसें फिर से शुरू, हिंसा के चलते थम गई थी बसों की आवाजाही। नू में हिंसा मामले में अब तक 57 FIR दर्ज, कुल 170 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। नू में आज शाम तक बंद रहेगा इंटरनेट, हिंसा के बाद एहतियातन प्रशासन ने बंद कर दिया मोबाइल इंटरनेट सेवा। नू हिंसा मामले में भरतपुर में मेवात साइबर टीम का एक्शन, अलग अलग जगहों से कुल 12 आरोपी गिरफ्तार। मेवात साइबर टीम का भरतपुर में सर्च ऑपरेशन, हरियाणा पुलिस बिना नंबर की 2 गाड़ियों में है सवार। नू हिंसा पर बोले बाबा बागेश्वर, सनातनी हिंदू से ये सब देख रहे, ये देश का दुर्भाग्य, सभी को जागना होगा। प्रमोद कृष्णम को कमलनाथ का जवाब, कहा जो सवाल उठा रहे हैं उनके पेट में दर्द क्यों। कमलनाथ ने कहा छिंदवाड़ा के लोगों को सौभाग्य है कि बागेश्वर बाबा यहाँ कथा कर रहे हैं। कमलनाथ से मुलाकात के बाद बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, सनातन धर्म को मानने वाला इंसान हूँ। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को सील करने की याचिका खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की खारिज। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे का आज 5वां दिन, ASI की टीम फोटोग्राफी और मैपिंग करने में जुटी। वाराणसी में ज्ञानवापी सर्वे पर बोली हिंदू पक्षकार रेखा पाठक, हमारा काम निगरानी करना, सुबह उठकर ड्यूटी जाना बना हमारी दिनचर्या। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर बोले हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी, तहखाने
मुंबई का हो रहा है सर्वे, बिना मलबा हटाए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी संभव नहीं। ज्ञानवापी को मस्जिद कहना बंद करो, ये भगवान शंकर का मंदिर है। छिंदवाड़ा में बोले बाबा बागेश्वर। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की बढ़ाई गई सुरक्षा, आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। एडलवाइस कंपनी के निदेशक राजकुमार बंसल और चेयरमैन राजेश शाह की हाईकोर्ट में याचिका, नितिन देसाई सुसाइड केस में FIR रद्द करने की अपील। जम्मू कश्मीर में जज नीलकंठ गंजू मर्डर केस की नई सिरे से जांच करेगी SIA। साल 1989 में आतंकियों ने की थी गंजू की हत्या। चेन्नई में जेल से ED ऑफिस लाए गए तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी, वकील बोले मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। SIA जांच का जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी CM कविंद्र गुप्ता ने किया स्वागत, कहा साजिश का हो सकेगा खुलासा। प्रयागराज में माफिया आतिक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित किया गया, 50,000 की इनामी है शाइस्ता परवीन। यूपी के संभल में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट, आपत्तिजनक कमेंट्स, पुलिस ने 14 आरोपियों को किया अरेस्ट। अलीगढ़ में एक इंटर कॉलेज में छात्रों के बीच झड़प, पुलिस ने 11 लोगों को किया गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में लड़की ने प्रेमी के साथ मिलकर रची फर्जी किडनैपिंग की साजिश, पिता से मांगी 10 लाख की फिरौती, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ के खैर इलाके में भूसे में दबा मिला 8 साल की लड़की का शव, एक दिन पहले घर के बाहर खेलते गायब हुई थी लड़की। नवी मुंबई के तुरभे इलाके में खदान में डूबने की वजह से युवक की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। यमुनानगर की नवाब कॉलोनी में नाबालिग लड़की से रेप, युवक ने बहला फुसला कर वारदात को अंजाम दिया, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। गुजरात में आयुर्वेदिक बियर की आड़ में नशे का धंधा, द्वारका में 7200 नशे की अवैध बोतलों के साथ 3 गिरफ्तार। पुलिस ने फैक्ट्री से 840 लीटर एथेनॉल भी जब्त किया, नशे की करीब 25,000 बोतलें और बनाई जानी थी। नॉर्थ त्रिपुरा के चुराई बाड़ी पुलिस थाना इलाके में ट्रक से 297 किलो गांजा बरामद, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। राजस्थान के उदयपुर जिले में बुजुर्ग महिला की पिटाई से मौत, वायरल वीडियो पर केस दर्ज, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। इंदौर में पिकनिक स्पॉट पर कुंड में गिरी कार, बड़ा हादसा होने से टल गया, मौके पर मौजूद युवकों ने कुंड में छलांग लगाकर गिरे युवक और बच्ची को बाहर निकाला, कार का हैंड ब्रेक ना लगने की वजह से हादसा। अलीगढ़ में मौलाना पर महिला की पिटाई का आरोप, भूत प्रेत से छुटकारा पाने के लिए गई थी महिला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में आबकारी विभाग का एक्शन, लोनी इलाके के कई गांव में छापेमारी कर बरामद की 65 लीटर की कच्ची शराब। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक दंपत्ति गिरफ्तार, फर्जी IPS IAS बनकर लाखों की ठगी का आरोप। MP के बुरहानपुर जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, नसबंदी ऑपरेशन कराने वाली महिलाओं को TB वार्ड में किया भर्ती। जिला कलेक्टर से शिकायत के बाद जागा अस्पताल प्रशासन, महिलाओं को सामान्य वार्ड में किया शिफ्ट। राजस्थान के उदयपुर के गोगुंदा में कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग ने क्रेन की मदद से सुरक्षित निकाला। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, देहरादून टिहरी पौड़ी नैनीताल के कई इलाकों में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। देहरादून में तमसा नदी का कहर, प्राचीन टपकेश्वर महादेव मंदिर को भारी नुकसान, बाढ़ से जर्जर हुआ मंदिर। नैनीताल के हल्द्वानी में उफनाए नाले में फंसी कार, स्थानीय लोगों ने कार में मौजूद लोगों को किया रेस्क्यू। हिमाचल के रामपुर में बाढ़ पीड़ितों का बुरा हाल, नहीं मिली सरकार से मदद, 450 से ज्यादा मकान ध्वस्त हुए। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा, बड़े पैमाने पर हनुमान मंदिर तक पहुंचा पानी, गंगा आरती वाली जगह पर भी जल भरा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का सरकारी हथियार उत्पादक कंपनी को आदेश, हमलावर ड्रोन को उत्पादन को बढ़ाया जाए। पुतिन ने रूस के निजी ड्रोन निर्माताओं से कहा, विदेशी कंपनियों के जाने के बाद उनके पास बाजार पर कब्जा करने का मौका। पूर्वी रूस के जंगलों में आग हुई बेकाबू, इमरजेंसी सर्विस के कार्यकर्ता आग पर काबू पाने में जुटे। 7.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बड़े इलाके में फैली आग, आसमान में छाया धुआं। इमरजेंसी सर्विस में जारी किया आग का वीडियो, काफी दूर से नजर आ रही है आग की लपटें। पुर्तगाल के जंगलों में लगातार फैल रही आग, 2000 से ज्यादा फरार फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे। आग पर काबू पाने में 700 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां लगी, 14 विमान भी आसमान से ढाल रहे हैं पानी। जंगल की आग की वजह से पुर्तगाल में बढ़ी गर्मी, कई इलाकों में पारा 43 डिग्री तक पहुंचने का रेड अलर्ट जारी। अमेरिका के टेक्सास में एक पेंट बनाने की फैक्ट्री में लगी आग, फैक्ट्री में हुए धमाके में एक शख्स हुआ घायल। फैक्ट्री में रखे केमिकल की वजह से आग काफी तेजी से फड़की, दूर दूर तक नजर आई आग की लपटें। अमेरिका के अलास्का में बाढ़ का कहर, ग्लेशियर का बांध टूटने की वजह से मेंडेहाल नदी में आई बाढ़। मेंडेहाल नदी में बाढ़ से हुआ जमीन का कटाव, 2 इमारतें तेज बहाव में धराशायी। चीन में बाढ़ के बाद सामने आई तबाही की तस्वीरें, रिहायशी इलाकों में सड़कों पर पानी और कीचड़ भरा। राहत कर्मी रिहायशी इलाकों से पानी निकालने में जुटे, सड़कों और इमारतों से कीचड़ की सफाई करने का काम जारी।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी20 मैच आज गयाना में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। रात 8 बजे शुरू होगा मैच। शुरुआती दो मैच जीतकर वेस्टइंडीज सीरीज में 2-0 से आगे। टीम इंडिया के लिए आज होगा करो या मरो का मुकाबला। वर्ल्ड कप ट्रॉफी हाथ में लेकर रोहित शर्मा ने भरी हुंकार, कहा हम फिर से वर्ल्ड कप जीतेंगे। जिमनास्ट दीपक अमराकर को एशियाड स्क्वाड में जगह नहीं, ट्रायल में टॉप करने के बावजूद नाम काटा। एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय हॉकी टीम ने साउथ कोरिया को हराया 3-2 से दी शिकस्त। कोरिया को हराकर भारत ने सेमीफाइनल में की एंट्री। पाकिस्तान से आखिरी लीग मैच में होगा मुकाबला। एशिया चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले से पहले पाकिस्तान हॉकी कप्तान उमर भुट्टा का बयान, भारत हमसे बेहतर है। मेजर सॉकर लीग में लियोन मेसी का फिर से दिखा जादू, इंटर मियामी को दिलाई 5-4 से जीत। चंद्रयान 3 को लेकर बोले इसरो चीफ एस सोमनाथ, अभी तक सब ठीक चल रहा है, 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा। न्यूयॉर्क में 16 साल की भारतीय अमेरिकी तनिष्का धारीवाल गई नेक पहल। बालासोर ट्रेन हादसा पीड़ितों के लिए जुटाए $10,000। सूरत में दिवाली गिफ्ट के लिए राम मंदिर मॉडल, बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं ऑर्डर। हैदराबाद में गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारियां शुरू, इको फ्रेंडली मूर्तियों के बड़े खरीदार, 100 रुपए से लेकर 75,000 तक कीमत। बदलते कश्मीर की सामने आई नई तस्वीर, रोशनी से जगमगाया श्रीनगर के लाल चौक का ऐतिहासिक घंटाघर। रिवर फ्रंट झेलम नदी के दोनों किनारों पर भी खूबसूरत लाइटिंग, देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र।